पुलिस की टीमें मेरे ख्याल आज चली जाएंगी। एफआईआर दर्ज हो चुकी है हनी सिंह के खिलाफ, पक्का इसको अरेस्ट करके लाएंगे, हम लेके आएंगे इसको पंजाब में। मेरे ख्याल लोकेशन ट्रेस कर रही है आज, अभी आप लोगों के सामने मोहाली एसएसपी से बात की गई है, तो कड़ा एक्शन रहेगा। हम मुझे लॉ एंड ऑर्डर, पंजाब की लॉ एंड ऑर्डर पे पूरा भरोसा है। आपकी डीजीपी से और एसएसपी से लगातार बातचीत होती रही है, तो आपको क्या लगता है कि कितने दिनों में, आज कल या परसों, कब तक हनी सिंह पर कार्रवाई हो सकती है? देखिए, पिछले 3 दिन से ये हनी सिंह का मुद्दा चल रहा है। दिनकर गुप्ता जी जो पंजाब के डीजीपी हैं, आई सल्यूट हिम, चीफ मिनिस्टर को मैं सल्यूट करती हूं। 3 दिन की कार्रवाई पे एफआईआर हनी सिंह पे कल दर्ज कर ली गई है, आज अभी मोहाली एसएसपी से बात हुई है। मुझे पूरी उम्मीद है कि आज हमारी पंजाब पुलिस की टीम में सर्च करने के लिए उसकी लोकेशन को सर्च किया जा रहा है, तो उसे अरेस्ट भी कर लिया जाएगा। हाँ जी, वो आप लोगों भी द्वारा भी बताया गया कि लोग ट्विटर पे भी धमकियां दे रहे हैं, यूट्यूब पे भी। अभी मुझे एक यूट्यूब पे लड़की का दिखाया गया है कि वो ऐसे धमकियां दे रही है, लैंग्वेज यूज कर रही है। डजंट मैटर, मेरे लिए ये कोई मायने नहीं रखता है। अगर कोई, मैंने जो इनिशिएटिव लेना है और मैं लेती रहूंगी, मैं किसी की धमकियों से डरने वाली नहीं हूँ। बाकी जो सरकार का काम है, पंजाब पुलिस का काम है, देखना है, वो कार्रवाई करेंगे जो लोग भी दे रहे हैं। आपने इसकी कंप्लेंट दी है किसी को धमकियों के बारे में? धमकियों की कंप्लेंट दी है मैडम आपने? हाँ जी, मैंने आज भी डीजीपी साहब से और सीएम साहब से टाइम मांगा हुआ है, बिल्कुल ध्यान, स्क्रीनशॉट ले लिए गए हैं उनके, तो उनके ध्यान में मैटर है। मेरे ख्याल उन लोगों को पता है धमकियां मिल रही हैं, दोबारा से आज बात की जाएगी। और हमने रिपोर्ट भी मांगी हुई है, 12 तारीख को हमारी लोक अदालत है, 12 तारीख को हनी सिंह से जुड़ी कि उसकी एफआईआर दर्ज होने के बाद पंजाब पुलिस ने क्या किया, हमें एक रिपोर्ट पेश की जाएगी, उसके बाद हम आगे तय करेंगे कि देखेंगे। और अभी मेन कंसर्न यही है कि पंजाब सरकार से हमने, हमारी कमीशन ने मांग की है कि एक पंजाब में भी सेंसर बोर्ड होना चाहिए, जो सिंगर्स ऐसे गाने बोलते हैं जिनका प्रोफेशन है, या कुछ भी ऐसे वीडियो शूट किए जाते हैं, उन्हें पंजाब सेंसर बोर्ड की परमिशन हो। अदरवाइज पंजाब में हम अपने यूथ को या पंजाब के सभ्याचार को खत्म नहीं होने देंगे। सीएम से मांग करेंगे? जी बिल्कुल बिल्कुल, हम आज सीएम से मांग करने वाले हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, आवाज़ कॉम टीवी।